कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता माननीय गुलाम नबी आजाद, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक जी और हमारी बहन शैलजा जी, और हरियाणा में जो हमारी सीएलपी नेता है किरण चौधरी जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी पूर्व स्पीकर रहे कुलदीप शर्मा जी, जयवीर जी, महेंद्र प्रताप जी और अजीज दीपेंद्र जी, अजीज नवीन जी, अनिल जी, वाली जी, चंद्रमोहन जी और हमारी बहुत जुजारू बहन कैलाशो जी, वह सम्मानित मंच उपस्थित हरियाणा से आए, अलग अलग जगह से आए हुए सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और संघर्ष के साथियों, ये जब जो सामने फौज बैठी है हमारी, ये संघर्ष के साथियों, जब भी पार्टी ने संघर्ष किया तो आप लोग आए। आज गुलाम जी आजाद साहब ने प्रयास किया, ये बहुत तजुर्बेकार हैं, जो चीज दिखती नहीं थी इतनी आसानी से सुलझ जाएगी वो उन्होंने सुलझा दी। और इसके पीछे जो शक्ति है वो राहुल गांधी की। राहुल गांधी जी ने कहा वो चाहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने, कांग्रेस आए, और इसी वास्ते जिम्मेवारी गुलाम नबी आजाद साहब को दी है। ये जहां जाते हैं कांग्रेस लेके आते हैं। और कुदरती बात है, कोइंसिडेंस कहें, जब भी ये पहले जब हमारे महामंत्री थे तो पहली बार प्रदेश का अध्यक्ष इन्होंने इन्हीं की कलम से बना था। आज ये प्रयास हुआ है, बातें तो बहुत है कहने की, बहुत लंबा चौड़े भाषण भी हुए हैं और दे भी सकते हैं, होने भी चाहिए, वो समय समय पर करेंगे। लेकिन एक बात सच है, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं, कि आज हरियाणा में हर वर्ग परेशान है। किसान जो है बर्बादी के कगार पे है, गरीब आदमी जो हमारे कांग्रेस के समय में 3,82,600 प्लॉट मिले थे, इस सरकार को 4.5 साल हो गए। एक गांव का नाम बता दो, एक बता दो, अपने तो बता दो, गांव से कर्मचारी सड़कों पर रहते हैं, व्यापारी कहता है मेरा तो मुनाफा तो गया दूर, मैं तो अपनी पूंजी खा रहा हूं, क्योंकि कभी जीएसटी है कभी नोटबंदी है। और बेरोजगारी जिस तरह से फैल रही है, अकेले फरीदाबाद से 50,000 से 60,000 लड़के बेरोजगार हुए, और ये सरकार धोनी वैरी सरकार बनी हुई है, ये बातें करते हैं, ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, नीचे कुछ नहीं करते, इससे परेशान है। लेकिन लोगों को लगता था कि हम परेशान हैं, लेकिन हमारी सरकार कैसे, परिवर्तन कैसे आएगा, कौन लेके आएगा, कब आएगा, हर आदमी चाहता था। तो आज ये परिवर्तन गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में ये लोग लेके आएंगे, आप लोग लेके आओगे। हाँ, एक बार जरूर कहूंगा, आजाद साहब कहीं 6 महीने पहले आप आ जाते तो इसकी भी जरूरत नहीं थी, आज अपने आप ही परिवर्तन हो जाता। तो आज मैं इतनी ही बात कहूंगा कि अगर आज शहीदी दिवस पूरे देश में है, लोगों ने शहीदी देके, भगत सिंह ने और राजगुरु ने उन्हें शहीदी देके देश को आजाद कराया। मैं भी एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूं, मैं जानता हूं इतनी कीमत उन लोगों ने दी, इस पे लगता है उसमें पता लगता है। तो आज
एक ही बात मैं कहता हूं जिसकी वजह से हम एक हैं, एक होना चाहिए छत्तीसगढ़ बरादरी को। आज उस आजादी का और देश को, देश खतरे में, देश को बचाना है तो वही जिस तरह एकता है करके अपनी पार्टी को लेकर आना। जो कांग्रेस पार्टी है वो देश को आगे लेगी, देश को आजाद कराया था। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे को पूरा भरोसा है कि जो परिवर्तन यहां तो ले आए आजाद साहब, अब नीचे परिवर्तन आप लेके आओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।